सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 2022 चल रहा है, सो गाइस आज की इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ 2022 का मकर संक्रांति की फोटो एडिटिंग। जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको कुछ इस तरह की फोटो को एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। सो गाइस, मैं लेके चलता हूँ सीधे आपको वीडियो की तरफ। तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में जितना भी बैकग्राउंड और पीएनजी मैंने यूज किया है, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ सीधे आपको वीडियो की तरफ। ओके, सो गाइस पिक्सआर्ट में ना इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ना एड फोटो पे क्लिक करके अपनी खुद की फोटो को ले लेना है। तो सिंपली मैं अपने यहाँ पे खुद की फोटो को ले लिया और इसका मैं बैकग्राउंड पहले से इरेज कर लिया था ना, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और वीडियो बहुत छोटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस फोटो को यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। अगर आपने कुछ इस पोज में फ़ोटो क्लिक कराया ना तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। ओके, डन। डन करने के बाद ना आपको चलना है यहाँ पर टूल्स पर, ध्यान से देखिएगा। टूल्स पर जाने के बाद तो आगे मैं टूल्स पे, और आपको यहाँ पे एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद ना आपको यहाँ पे पूरी फ़ोटो को ना एडजस्टमेंट करनी है, ताकि फ़ोटो जो है ना बैकग्राउंड से मैच हो जाए। तो उसके लिए ना मैं ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को, क्लैरिटी को सबको छेड़ के देख लेता हूँ। यहाँ पे हाईलाइट को जैसे कि मैं माइनस कर रहा हूँ, या शैडो को मैं हल्का सा माइनस कर रहा हूँ, ऐसे करके ना अपनी फ़ोटो को सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से डन कर लीजिए। डन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ से ना फिर से ऐड फोटो में जाना है। तो सिंपली मैं जाता हूँ ऐड फोटो में, और यहाँ पे मैं लेके आना है आपको एक ग्रास की पीएनजी। तो सिंपली मैं ये ग्रास की पीएनजी को ले लेता, और यहाँ पे ना आपको यहाँ पे नीचे साइड पे रख देना है, ठीक है, ताकि लगे ना कि मतलब बिल्कुल हम घास में बैठे हुए हैं। ओके, तो इसको हल्का सा टिल्ड करके ना यहाँ पर रख लीजिए, और इसका ना जो कलर है ना वो अलग है। उसके लिए हमें क्या करना है, एडजस्ट में जाना है, और यहाँ पर ह्यू पर क्लिक करके ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी है। ऊपर ले जाएंगे ना, जहाँ हल्का सा कलर मैच होगा ना उसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, डन। और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पिक्सआर्ट का काम हो चुका है, उसके बाद हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सिंपली यहाँ से ड्रॉ टूल में जाकर ना आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है, और इसी फोटो को ओपन करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो सिंपली मैं आ चुका लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे लाइट वाले टूल्स पे चलना है, नीचे देख सकते हैं ये लाइट वाले टूल्स पे जाके आपको यहाँ पे ना जो शैडो है ना इसको प्लस करेंगे, वाइट को माइनस करेंगे, और हाईलाइट को भी माइनस करेंगे। ओके, डन। फिर आपको चलना है यहाँ पर ब्लैक को हल्का सा माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट टूल पर चलेंगे, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, और जो टिंट है ना इसको हल्का सा प्लस में रखेंगे, सॉरी माइनस कर देते हैं, और टेम्परेचर को हल्का सा प्लस में रखेंगे, क्योंकि येलो टोन में चाहिए थोड़ा सा, तो प्लस रखें। ओके, उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे, यहाँ पे दूसरे वाले कलर का ना, सॉरी पहले कलर का ह्यू को माइनस, सेचुरेशन को प्लस करेंगे, दूसरे कलर का ना लुमिनस को प्लस करेंगे, और सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करेंगे, ठीक है। येलो कलर के ह्यू को माइनस, सेचुरेशन को प्लस, ब्लू कलर के ह्यू को माइनस करेंगे हल्का सा, सेचुरेशन को प्लस, एक्वा कलर के ह्यू को माइनस, सेचुरेशन को माइनस, ब्लू कलर के ह्यू को माइनस, सेचुरेशन को माइनस कर देंगे, और डन कर देंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, आपको चलना है यहाँ से नेक्स्ट टूल पे। उसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट टूल पे जाने के बाद हल्का सा टेक्स्चर को बढ़ाएंगे, वीगनेट को माइनस कर देंगे। ओके, डन। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट टूल पे जाके शार्पनिंग को बढ़ा देंगे, नॉइज रिड्यूसन को बढ़ा देंगे, डन। नेक्स्ट टूल पे जाके इन दोनों को ऑन कर देंगे। ओके, और आपको सबसे टॉप पे जो पहला वाला टूल्स है ना, ध्यान से देखिएगा, उस पर चलना है ये वाला, और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करके नीचे से ऐसे हल्का सा ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको ना जो एक्सपोज है ना इसको हल्का सा माइनस कर देंगे, ताकि नीचे से हल्का सा डार्कनेस आ जाए, ठीक है, डन। उसके बाद आपको करने का, मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर देन आफ्टर। इस फोटो को सेव करने के लिए सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे, फोटो सेव हो जाएगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि 2022 में ना बहुत कमाल कमाल की वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।